नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसका मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस का भी आपको प्रोवाइड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है कल के वीडियो के साथ ही। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बना हुआ है, जो कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एजेस, यानी कि एजेस के हमें जो निकालने होते हैं, उसकी एज आज इतनी है, प्रेजेंट में इतनी है, कल इतनी होगी, कुछ साल बाद इतनी होगी, उसका रेशियो में निकालना होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The difference between the age of Meena and Seema is 3 year and the ratio of their ages is 7:8. What is the sum of their ages? यानी कि हमें दो लोग दिए हैं, मीना और सीमा। मीना और सीमा, इनकी जो एज का डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमें 3 साल, 3 year इनकी एज का डिफरेंस है और इन दोनों की एज का जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इनकी एज का दिया हुआ है 7:8। तो 7:8 इनकी एज का डिफरेंस दिया हुआ है और हमें बताना है इनकी एज का सम कितना होगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो इतना है, यानी कि 8 में से 7 गया 1 और 1 की वैल्यू आपको 3 साल दी हुई है और 8 और 7 आपका 15 हो जाता है और हमें 15 की वैल्यू बतानी है। तो 15 × 3 = 45 साल। तो यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस तो आपका 3 साल है लेकिन दोनों की एज का सम आपका 45 साल है। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपको बताने के लिए कि एज के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। रेशियो आपको दिया गया था, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, दोनों का सम पूछा था और हमने आसानी से इसको निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड उषा आर 24 years and 36 years रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ उषा एंड रीना रेस्पेक्टिवली 8 years ago। यानी कि रीना और उषा की अभी हमें एज दी हुई है, रीना और उषा की एज हमें 24 years and 36 years दी हुई है और हमसे पूछा है कि 8 साल पहले इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम इसमें से 8 साल घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6 16 आ जाएगा और इसमें से अगर 8 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8 और ये आपका 28 हो गया। अब जो रेशियो निकालेंगे तो 4 से ये चला जाएगा 7 बार, 4 से ये चला जाएगा 7 बार, तो 4:7 इनकी एज का रेशियो आ चुका है। तो बस हमें ये बताना था कि उनकी 8 साल पहले की एज का रेशियो क्या है, अब की एज दी हुई है, दोनों की एज में से 8-8 साल घटा दिए और उनको हमने रेशियो में निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, 12 years ago देयर एजेस वर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इन ईयर्स। यानी कि आपको दो लोग दिए हुए हैं ए और बी, उनकी जो आपको एज का रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है और 12 साल पहले, यानी कि अगर 12 साल इसकी एज में से घटाएं और 12 साल इसकी एज में से घटाएं तो 2:3 आपका यहां पर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों के जो गैप है वो बराबर है, यानी कि यहां भी 4 से 3 हुआ है, 1 घटा है, यहां भी 3 से 2 हुआ है, यहां भी 1 घटा है और ये भी आपका बराबर है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप करेंगे 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 और आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये एज जो है उनकी 12 साल पहले की है और ये उनकी अब की एज का रेशियो है। तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 7 की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, 12 × 7 = 84 years। तो उनकी जो एज का सम हो जाएगा 84 इयर्स हो जाएगा प्रेजेंट एज का। उन्हें दिया होता ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4, 12 साल पहले 2:3, दोनों में से 1 घटा है और 1 की वैल्यू 12 है, हमें 7 की निकालनी है, 7 की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 years ago राम वॉज 3 times as old as Shyam, 4 years from now राम विल ओनली बी 2x as old as Shyam, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। यानी कि एक तो आपको केस दिया हुआ 5 साल पहले का, यानी कि -5 हो गया और एक केस आपको दिया हुआ है 4 साल बाद का, यानी कि अब से 4 साल बाद का, तो ये आपका 9 साल का यहां पर डिफरेंस हो गया। राम वॉज 3 times as old as Shyam, यानी कि राम का जो और श्याम का जो एज का रेशियो है 3:1 दिया हुआ है 5 साल पहले का और अब से 4 साल बाद राम हो जाता है 2x as old as Shyam, यानी कि यहां पर आ गया आपका 2:1। तो यहां पर आपको 9 साल का डिफरेंस है, यहां पर आप 9 ले लेंगे, यहां भी आप 9 ले लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे या फिर आप इस गैप को लेंगे, यहां पर गैप 1 है, यहां पर गैप 2 है, तो इस गैप को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 और 1 × 1, नीचे वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और यहां पर आ जाएगा 1 × 2,
तो अब आपका एक गैप हो गया बराबर, यहां भी एक से दो हुआ एक बड़ा, यहां भी तीन से चार हुआ एक बड़ा, और उस एक की जो वैल्यू आपको दी हुई है, इस एक की वैल्यू ही आपको दी हुई है नाइन ईयर। तो जब एक की वैल्यू नाइन आ गई आपकी, एक की वैल्यू नाइन है, और आपको बतानी है कि अब राम की प्रेजेंट एज क्या है, तो राम ये है, तो नौ तिया सत्ताईस, यानी कि तीन की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, तीन इंटू नौ आपका हो जाएगा सत्ताईस। और ये केस पांच साल पहले का है, यानी कि इसकी एज में अगर हम पांच साल जोड़ दें तो उसकी एज आपकी 32 साल आज की हो जाएगी, यानी कि आज के टाइम में उसकी एज आपकी 32 साल है। दोनों का दिया हुआ था रेशियो पांच साल पहले का और चार साल बाद का, अब से दोनों का एज का डिफरेंस, मतलब यहां पर ईयर का डिफरेंस हो गया नाइन। हमने इस गैप को बराबर कर लिया, तीन से चार एक, दो एक से दो एक, और उस एक की वैल्यू नौ आ गई, एक की वैल्यू नौ है। हमें राम की अब की एज पूछी गई, तो राम की पांच साल पहले की एज हमने 27 निकाल ली, पांच उसमें जोड़ दिया और 32 साल राम की एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10 ईयर बिफोर द एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर वाज इन द रेशियो 3:1 एंड अनदर 10 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:7, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। यानी कि यहां पर आपको एक तो रेशियो दिया हुआ है 10 साल पहले का और एक रेशियो दिया हुआ है 10 साल बाद का, तो एज का यहां पर रेशियो ईयर का डिफरेंस कितना हो गया 20 साल। तो एक आपको जो मदर और डॉटर का दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है आपको 3:1 और आपको उस अब से 10 साल बाद का दिया हुआ है 13:7, ये आपका हो गया 13:7। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपका कितना डिफरेंस है, यहां पर आपका 6 का डिफरेंस है, यहां पर आपका 2 का डिफरेंस है, तो आप इस गैप को बराबर कर लेंगे, तो 6 थी आपका यहां पर हो जाएगा 18 और 6 एकम 6, 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया आपका 14 में 6 गए 8 और 26 में से 18 गए, 26 में से 18 जाएंगे, तो ये भी आपका 8 हो गया। अब ये भी आपका 8 है, ये भी आपका 8 है, और आपकी जो वैल्यू दी हुई है 8 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 8 की वैल्यू आपकी हो गई 20 साल। अब आपसे पूछा गया है कि अब जो होगा वो प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज उनकी कितनी होगी, तो यहां से आपने कितना निकाल लिया, यहां से आपने 18 और 6 की वैल्यू निकाली, तो 18 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18 × 20/8, तो 4 से 2 बार जाएगा, 4 से ही चला जाएगा 5 बार, 2 से ही चला जाएगा 9 बार, और आपकी वैल्यू यहां पर आ गई 9×5 45। तो यहां पर आपकी जो मदर की एज है, प्रेजेंट एज मदर की एज आपकी 45 आ गई। अब आपको निकालनी है 6 की वैल्यू, 8 की वैल्यू आपकी 20 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×20/8, 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, 2 से 3 बार चला जाएगा, और आपकी वैल्यू 15 आ गई, यानी कि डॉटर की जो एज है वो 15 साल है। और ये जो दोनों केस आपके आए हैं, ये केस आपके आए हैं 10 साल पहले, यानी कि अब से 10 साल पहले उनकी एज इतनी इतनी है, दोनों में अगर 10-10 साल जोड़ दिए जाएं तो उनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 25 और 55, यानी कि मदर की एज इस टाइम 55 है और डॉटर की एज 25 है। दोनों की जो एज का रेशियो दिया हुआ था 10 साल पहले अब से और 10 साल बाद अब से दिया हुआ था, 20 का यहां पर डिफरेंस हो गया। हमने इस गैप को बराबर कर लिया, तो 6, 14, 8, 18 और 8, 26, 8 की वैल्यू आपकी यहां पर 20 साल हो गई, हमने 18 और 6 की वैल्यू निकाल दी, उसमें हमने 10-10 साल जोड़ दिए और 55 और 25 उनकी प्रेजेंट एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 7 इयर्स एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, 8 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 9:10, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन इयर्स। यानी कि एक तो आपको दिया हुआ है 7 साल पहले का केस और एक आपको दिया हुआ है 8 साल बाद का केस अब से, तो आपका यहां पर एज का वो ईयर का कितना हो गया 15 साल यहां पर हो गए। अब जो आपको दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी 4:5 दिया हुआ है, यहां हो गया 4:5, और एक दूसरा आपको दिया हुआ है 9:10 का, तो यहां हो गया 9:10। अब आप इस गैप को चेक करेंगे तो 10, 5 और 5, 10 और 4 और 5, 9, यानी कि ये दोनों गैप बराबर है और ये वाला गैप भी बराबर है, तो 5 की वैल्यू आपकी यहां से सीधा सीधा हो गई 15, और यहां से आपको निकालनी है पहले 4 की और 5 की, तो 5 की वैल्यू तो ये 15 है, यानी कि ये तो आपका 15 ही हो गया। बी की एज आपकी हो गई 15 साल और आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4×15/5 आएगा, 5 से चला जाएगा 3 साल और ये आपका 12 साल आ जाएगा। ए की एज आपकी 12 साल आ गई। अब आपको बता रहा है उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है, तो ये वाला जो केस था, ये वाला केस आपका 7 साल पहले था, यानी कि 7 साल इसमें जुड़ेंगे, 7 साल इसमें जुड़ेंगे, तो 15 और 7 22 और यहां पर 12 और 7 19, और इन दोनों की जब एज को हम जोड़ देंगे तो इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 9 2 11, 2 2 4 और 1,
यानी कि 41 साल उन दोनों की एज का प्रेजेंट एज का सम हो गया जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको एजेस वाले क्वेश्चन करने हैं, आपको ये वाला गैप बराबर कर लेना है या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन गैप बराबर करना आपको ज्यादा आसान होगा। यहां पर जैसे आपका गैप पहले से बराबर दिया हुआ था तो 5 की वैल्यू आपकी 15 साल के बराबर हो गई, आपने यहां से 4 और 5 की वैल्यू निकाली, दोनों में 7-7 साल जोड़ दिए और उनकी प्रेजेंट एज का सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ रामू एंड सोनू एज वॉज 6:7 रेस्पेक्टिवली, 4 ईयर हेंस द रेशियो वुड बिकम 7:8, हाउ ओल्ड इज सोमू। यानी कि आपको यहां पर एक केस 1 साल पहले का और एक केस 4 साल बाद का दिया हुआ है, तो राम एंड सोमू की एज का रेशियो दिया हुआ है, रामू एंड सोमू, तो 6:7 यहां पर दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है 7:8, यानी कि यहां पर जो आपका डिफरेंस दिया हुआ है कितने का दिया हुआ है, यहां पर आपका एक बड़ा और यहां भी आपका एक बड़ा, तो गैप आपका बराबर है और आपका यहां पर एज ईयर कितने हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी 5 साल आ गई। और आपको बताना है कि सोमू इस टाइम कितने साल का है, तो आप यहां से निकाल लेंगे एक की वैल्यू 7 है और 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 5 है, 7 की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 35 साल हो जाएगा। लेकिन ये जो 35 साल एज है उसकी अब से 1 साल पहले है, तो अब की एज उसकी कितनी हो जाएगी, अब की एज उसकी 36 साल हो जाएगी। तो इस तरीके से बस आपको यहां पर गैप देखना है और इस गैप को फुलफिल कराना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लीला गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, टुडे हर एज इज 1:1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, हर सन्स एज इज 1:10 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। यानी कि लीला की जो शादी है वो 6 साल पहले लीला की शादी हुई थी और जो अब उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, ये प्रेजेंट एज है उसकी 1:1/4 ऑफ उसकी मैरिज की एज के, यानी कि प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5/4 ऑफ मैरिज की एज। तो अब उसको 6 साल पहले शादी हुई है, तो यहां पर आपका डिफरेंस कितना आ गया, यहां पर आपका डिफरेंस कितना है, यहां पर 1 का, और उस 1 की वैल्यू आपकी 6 है, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज यहां से 6×5=30, क्योंकि 5 की वैल्यू आपकी प्रेजेंट एज के बराबर है, तो 5, 6×5 आपका 30 हो गया, ये उसकी 30 साल उसकी उम्र आ गई। और जो कहा गया है वो कहा गया हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, यानी कि उसके अगर बेटे की एज निकालनी है तो 30×1/10 करेंगे और यहां से उसके बेटे की एज 3 साल आ जाएगी। तो 3 साल का उसका बेटा है, 30 साल की वो है, और उसकी जो शादी हुई थी वो शादी उसकी कितने साल में हुई थी, 24 साल में उसकी शादी हुई थी। तो बस आपको ये देखना है कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या हमें निकालना है, और रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाते हुए आसानी से इसको आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7, इफ द डिफरेंस बिटवीन पी क्यूज प्रेजेंट एज एंड पी एज आफ्टर 6 ईयर इज 2, व्हाट इज द टोटल ऑफ पी एंड क्यूज प्रेजेंट एज। यानी कि रेशियो दिया है पी और क्यू की एज का, पी और क्यू की एज का रेशियो है 5:7, ये आपको P और Q की एज का रेशियो दिया हुआ है। आपसे कहा गया है डिफरेंस बिटवीन Q प्रेजेंट एज, तो हमने यहां पर X लगा लिया 5X माइनस, उसमें कहा गया है Q की प्रेजेंट एज और Q की प्रेजेंट एज, डिफरेंस बिटवीन Q की प्रेजेंट एज, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां आपका 7X आ जाएगा, 7X माइनस आपका हो जाएगा P की 6 साल की एज, तो P की 6 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 5X प्लस 6 आपकी Q पी की यहां पर 6 साल की 6 साल बाद एज हो गई, क्योंकि ये जब 7X है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 दिया हुआ है, तो यहां से जब आप इसको खोलेंगे तो 7X - 5X - 6 = 2 आ जाएगा, 2X = आपका 8 आ जाएगा और X = आपका 4 आ जाएगा। और अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल ऑफ पी एंड क्यू प्रेजेंट एज, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 12, और इस 12X की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 12×4 आपका कितना हो जाएगा, 48 साल हो जाएगा। तो उनकी जो प्रेजेंट एज है दोनों की 48 साल है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बस उस चीज को आप अपने पेन और पेपर से कॉपी पर लिखते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज 7:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। यानी कि फादर और सन की एज का रेशियो दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 7:3, और ये हो गया 7:3, तो 7x आपने लिया × 3x आपने लिया = आपका 756 हो गया, क्योंकि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट आपको 756 दिया हुआ है। और आपसे यहां पर जो होगा, यहां पर आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो कि आपका x लगा लिया, वरना आप अगर 7×3 करते तो सीधा आप इसको काट देते और आपका आंसर गलत आता। यहां पर हमारा हो जाएगा x² = 756 अपॉन में आपका 7×3, तो 7 से इसको काट लिया ये चला गया 108 बार, और 3 से इसको काट लिया तो 3×3=9, और
3 6 18 यानी कि एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया 36 और x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस माइनस 6। तो एज आपकी माइनस में नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव एज आपको लेनी है। तो यहां से आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। तो उनकी अब एज यहां पे निकाल ली, तो इसकी एज फादर की एज यहां पर कितनी हो गई 7 6 42 फादर की एज और 3 6 18 सन की एज, दोनों की एज में 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 48 और 18 और 6 24, तो 2:1 उनकी एज का सम रेशियो आ गया, जो कि 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो निकल कर आया है। तो इस तरीके से आपको एज के क्वेश्चन करने हैं। एज के क्वेश्चन काफी आसान एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द प्रोपोर्शन 4:7:9, 8 इयर्स एगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यानी कि आपको 3 लोगों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ 4:7:9 और उनकी जो 8 साल पहले की एज दी गई है उनका सम दिया हुआ है 56। यानी कि इसकी भी 8 साल, इन तीनों की 8 साल पहले की एज का सम इतना है, तो अगर हम इनकी प्रेजेंट एज का सम निकाला जाए तो 8 इसकी जुड़ेगी, 8 इसकी जुड़ेगी और 8 इसकी जुड़ेगी, यानी कि आपको 24 यहां पर जोड़ना पड़ेगा। जब आप 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और यहां पर आपको आ जाएगा 5 6 और 2 8, तो 80 यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। जब आप 56 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 9 20, 20 की वैल्यू आपको 80 आ गई, 1 की वैल्यू आपकी 4 आ गई, और आपसे यहां पर पूछा गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएगी, 4 4 16 7 4 28 और 4 9 36, तो यहां से आपकी प्रेजेंट एज निकल कर आ गई। बस आपको जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो आपने अपने कॉपी पर लिखा और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3, आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो विल बी 9:7, इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 5:3, देन हाउ मेनी ईयर एगो वर दे मैरिड। तो यानी कि आपको यहां पर दो लोगों का एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और उनसे कहा गया है कि आपका 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 9:7 हो जाता है, तो यहां से रेशियो 9:7 हो गया। अब आप देखेंगे यहां पर कितना दिया हुआ है, यहां पर 4 का गैप दिया हुआ है और यहां पर 5 का गैप दिया हुआ है, तो इस गैप को आप बराबर करेंगे। तो यहां से आपने 2 का गैप लिया, यहां से 1 का गैप लिया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कराई तो 2 4 8, 2 3 6 और यहां पर 9 और 7 आ गया। तो अब आपका जो आ गया यहां पर कितना आ गया, 6 और 7 1 और 8 और 9 1, 1 की वैल्यू आपकी 4 आ गई और 4 को जो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 और यहां पर आपका 4 6 24 आ जाएगा। तो ये उनकी जो एज का रेशियो है वो आ गया। अब जो कहा गया है, इफ द एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 5:3, देन हाउ मेनी ईयर एगो वर दे मैरिज। यानी कि आपको यहां पर दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, तो यहां पर जब आप घटाएंगे आपको क्या घटाना पड़ेगा, 32 में से x घटाना पड़ेगा अपॉन आपको 24 में से x घटाना पड़ेगा और आपका जो रेशियो है 5:3 आ जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 32 थी आपका 96 होता है, 96 - 3x = 24 बनजे 120 -5x, 3 इधर चला जाए, 5 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आपका जाएगा 2x = 120 - 96, आपका कितना हो जाएगा 20 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2 और x = 12 आ गया। यानी कि जो उनकी शादी हुई थी वो 12 साल पहले हुई थी। तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है। आपको दिया हुआ था उनकी एज का रेशियो 4:3 है, 4 साल बाद 9:7 हो जाएगा, तो हमने उनकी एक्चुअल निकाल ली 32 और 24। और अब उनसे कहा गया था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एज का रेशियो 5:3 था, तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई, तो 32 में से x घटाया, 24 में से x घटाया, 5/3 के बराबर कर दिया, 96 - 3x = 120 - 5x, x के लिए सॉल्व कर लिया और x आपका 12 साल आ गया। यानी कि 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी और जब उनका रेशियो एज का 5:3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ बिटवीन एज इज 4 ईयर एगो एंड बीज एज 4 ईयर हैंस इज 1:1, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एज इज 4 ईयर हैंस एंड बीज इज 4 ईयर एगो। यानी कि ए और बी की एज का रेशियो दिया हुआ कितना, ए और बी की एज का रेशियो आपको दिया हुआ 5:3 का, और उसके बाद जो कहा गया है ए की 4 साल पहले की एज बी की 4 साल बाद की एज का रेशियो 1:1 है, यानी कि दोनों की एज बराबर है, तो ए की 4 साल पहले की एज हो जाएगी 5x - 4 = 3x + 4, आपकी बी की 4 साल बाद की एज हो जाएगी। अब जो आपसे कहा गया, अब आपको इसमें लगा देना है, एक्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे, 3x इधर चला जाएगा तो आपका 2x आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो x = 4 आ गया। जब आप इसको यहां पर रखेंगे तो 5 4 20 और आपका यहां पर 4 3 12 आपकी ए और बी की एज आ गई। उसके बाद यहां पर जो पूछा गया है, पूछा गया व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज इज 4 ईयर हैंस, यानी कि ए की एज में अब 4 साल जोड़ दिए और बी की एज में 4 साल घटा दिए, तो 24 और यहां पर आपका कितना आ गया 8,
तो ए और बी की एज का रेशियो 3:1 निकल कर आ गया। तो जो चीज आपसे पूछी गई थी बस आप उस चीज को पढ़ेंगे और अपने पेपर पर लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 4 साल बाद पहले इसकी एज और 4 साल बाद इसकी एज बराबर है, दोनों की एज से हमने उनकी एक्चुअल एज निकाल ली, 4 साल बाद इसकी एज और 4 साल पहले इसकी एज का रेशियो यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 4 ईयर एगो द फादर एज वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, द टोटल एज ऑफ द फादर एंड द सन After 4 years will be 64 years. What is the father's age at present? यानी कि आपको जो दिया हुआ है फादर और सन की एज का रेशियो दिया हुआ है, फादर की एज उसके सन की एज के 3 गुना है और वो भी कितने साल पहले, 4 साल पहले, और जो उनको 4 साल पहले है और जो कहा गया है द टोटल एज ऑफ फादर एंड द सन आफ्टर 4 ईयर 64 ईयर्स, यानी कि प्लस 4 साल बाद का केस दिया हुआ है, तो आपका यहां पर 8 ईयर का गैप हो गया एक बंदे की एज में, और आपको जो टोटल दी हुई है, टोटल आपको दी हुई है 64, तो एक की एज में आपको 8 साल का गैप है, तो 2 की एज में आपको 6 साल का गैप, 16 साल का गैप हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 1 गया 4, तो 48 यहां पर आपका आ गया जो उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 के हिसाब से। तो 4 की वैल्यू आपके 48 हो गई, 1 की वैल्यू आपकी 12 हो गई, तो सन आ गया 12 साल का और फादर आ गया 36 साल का। तो सन और फादर की एज हो गई 36 साल और 12 साल, और इनकी व्हाट इज द फादर्स एज एट प्रेजेंट, तो ये 4 साल पहले की एज है, तो यहां पर आपको बताना है कि फादर की प्रेजेंट एज कितनी है। तो 36 साल फादर की एज थी 4 साल पहले, तो 4 साल अब उसमें जोड़ देंगे तो 40 साल फादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो इस तरीके से बस आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको पढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महेश इज 60 ईयर ओल्ड, राम इज 5 ईयर यंगर टू महेश एंड 4 ईयर एल्डर टू राजू, यानी कि आपको दिया हुआ है महेश यहां पर कितना है 60 ईयर ओल्ड है, यानी कि 60 साल का है, और उसके बाद कहा गया राम इज 5 ईयर यंगर टू महेश, यानी कि राम उससे 5 साल छोटा है, तो राम की एज यहां पर कितनी हो गई 55 साल। उसके बाद कहा गया महेश एंड 4 ईयर एल्डर टू राजू, यानी कि राजू से वो कितना है, यहां पर हो गया राम और यहां पर आपका हो जाएगा राजू, तो राजू से वो कितना बड़ा है, राजू से 4 साल बड़ा है, तो उसकी एज राजू की एज कितनी हो गई 51 राजू की एज हो गई। बाबू इज 6 ईयर, बाबू इज अ यंगर ब्रदर ऑफ राजू एंड 6 ईयर यंगर, तो यानी कि बाबू जो है वो है उसका छोटा भाई राजू का और 6 साल छोटा है, तो यहां से अगर आप 6 साल घटाने लगे तो 45 साल का बाबू हो गया। अब जो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महेश एंड बाबू एज, तो महेश और बाबू की एज में यहां पर कितना हो जाएगा डिफरेंस, 15 साल का महेश और बाबू की एज में डिफरेंस आ जाएगा। तो बस जो आपको यहां पर दिया हुआ था महेश की एज 60 साल, राम उससे 5 साल छोटा, राजू से राम 4 साल बड़ा और बाबू राजू से 6 साल छोटा, और आपने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एना वॉज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना, हु इज 13 ईयर ओल्ड, एट वट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, यानी कि एना जो है 4 साल बाद अपने पेरेंट्स की मैरिज के होती है, इस टाइम एना की एज यहाँ पर कितनी है 13 साल इना की एज है, और उसकी जो मदर है उससे 24 साल उससे बड़ी है, यानी कि अगर मदर की एज यहाँ से निकालेंगे तो 24 + 13 आप कर देंगे और यहाँ पर 4 3 7 और 2 1 3 37 साल उसकी मदर की एज आ गई, और मदर जो है 3 ईयर यंगर है उसके पिता से, यानी कि जब इसमें आपको फादर की एज निकालनी है तो 37 + 3 आप करेंगे और 40 साल पिता की एज आ जाएगी, तो 40 साल यहां पर पिता की एज आ गई। अब जो आपसे कहा गया है कि इना 4 साल बाद होती है मैरिज के, यानी कि 13 साल की वो अब है, 4 साल बाद वो हुई थी, यानी कि 17 साल अब हो चुके हैं उनकी शादी को, तो 40 साल में से आपको 17 साल घटाने हैं, तो 40 में से 17 घटाएंगे और आपका आंसर 23 आ जाएगा, यानी कि उसके पिता की एज 23 साल थी जब उनके पिता और माता की शादी हुई, 23 साल में उसके पिता की शादी हुई, तो बस आपसे यही पूछा गया था कि पिता की एज क्या थी जब उसकी शादी हुई, तो 23 साल आपका आंसर यहां से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर मदर एंड सन सोनू एंड डॉटर सविता एंड सोनिया इज 96 ईयर, यानी कि आपको जो दिया हुआ फादर प्लस मदर सन सोनू डॉटर सविता और प्लस सोनिया, इनकी एज का सम आपको कितना दिया हुआ 96 ईयर आपको यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर कहा गया सोनू इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, द ईयर सोनू वॉज बोर्न द फ्रॉम ऑफ द एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज 66 ईयर, यानी कि फैमिली की जो एज का सम था जब सोनू हमारा यहां पर पैदा हुआ तो यहां पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो यहां आपका कितना गैप आ गया, यहां आपका आ गया 30 साल का गैप,
तो सभी की एज 30 साल का गैप है और मेंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो 30 साल का गैप है और 5 मेंबर है यानी कि 6 साल, तो सभी की एज 6 साल यहां पर कम करनी पड़ेगी। इसकी भी 6 साल कम होगी, इसकी भी 6 साल कम होगी, और ये 6 साल पहले पैदा हुआ था, अब 6 साल का है, इसकी भी 6 साल कम होगी और इसकी भी 6 साल यहां पर कम हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया फादर एज नाउ इज 6 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की एज इस टाइम 6 साल है और उसके पिता की एज यहाँ पर कितनी है, 6 गुना सोनू की एज के है, तो 6 यहाँ पर 36 हो गया, 36 उसके पिता की एज इस टाइम है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है देन 12 ईयर एंड्स द फादर एज विल बी, तो 12 साल इसमें और जोड़ेंगे तो 36 + 12 आपका कितना हो जाएगा 48 साल, तो उसके पिता की एज 12 साल बाद 48 हो जाएगी। बस यही आपसे पूछा गया था और यही आपको बताना था और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर द एज ऑफ अ वुमन इज 2-digit इंटीजर, ऑन रिवर्सिंग दिस इंटीजर द न्यू इंटीजर इज द एज ऑफ हर हस्बैंड हु इज एल्डर टू हर, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। यानी कि एक जो वुमन दिए हुए उसके डिजिट उसकी जो एज है 2-digit इंटीजर है, हमने मान लिया 10x + y वुमन की एज है, और जब उसकी एज को उसके एज को रिवर्स करते हैं तो उसके पति की एज आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आ गया मैन की एज आ गई कितनी 10y + x, तो यहां पर जो मैन है वो वुमेन से बड़ा है, तो यानी कि आपका वाई जो हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो अब आपसे जो कहा गया है जो उनकी एज का डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम, तो यहां से जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप हो जाएगा 10y + x - 10x + y = आपका 1/11, और यहां पर हो जाएगा 10y + x + 10x + y यहां पर आपका आ जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व, तो यहां पर हो जाएगा 10y + x - 10x - y = 1/11, 11y + 11x यहां पर आपका आ गया, तो 10y में से y गया 9y आ गया और x में से 10x गया तो आपका 9x यहां पर आ गया, 11 से 11 यहां पर चला जाएगा तो आपका y + x रह जाएगा। अब यहां पर y प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 8y आपका आ गया, यहां पर x माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का जाएगा 10x आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे x y आपका कितना हो जाएगा 4/5 आपका हो गया। अब आपसे जो पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो जब आप यहां पर 4 रखेंगे तो आपका 45 यहां पर हो जाएगा और यहां पर 54 हो जाएगा, और जो इन दोनों की एज का डिफरेंस हो जाएगा वो 11 इयर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बस पूछा गया था कि उनकी एज का डिफरेंस कितना है, तो 11 इयर्स यहां से उनकी एज का डिफरेंस हमने निकाल लिया। जो 2-digit इंटीजर था उससे हमने इंटीजर की डिजिट्स निकाल ली, किस तरीके से निकालनी है, दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो दोनों की एज के सम के 1/11 है, इसको हमने एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लिया, एक्स वाई का रेशियो आ गया, रेशियो को इसमें पुट किया और आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों प्रॉब्लम ऑन एजेस में सिर्फ इतना ही, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सभी आपको करा दिए। इसमें मैंने आपको सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे वो सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी मैंने इसमें आपको करा दिए हैं। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।